Welcome all my dear students. In today's session, we'll start our new topic, chemical के आपका kinetics. अब इसमें जो चीज आपको नहीं आती वो पूछो. ठीक है, चलो. तो chemical kinetics is branch of physical chemistry which deals with किसके साथ? Rates of chemical reaction and factors affecting rate of reaction. ठीक है ना, हमें इसमें रेट आखिर क्या होती है रिएक्शन की और वेरियस फैक्टर्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं उनको समझना है. और ये भी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर भी. अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है ना. तो रेट का सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट में रेट को समझते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट? जनरल बताओ बेटा, आप ना सीधे केमिस्ट्री में ले जाते हो, पहले रियल लाइफ से मीनिंग सोचा करो, क्योंकि तब आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना. किसी भी क्वांटिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप कहीं जा रहे हो तो तब आपके लिए चेंजिंग क्वांटिटी डिस्टेंस है, ठीक है ना. तो डिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा है वो आपकी रेट होगी. आप जैसे कोचिंग आते हो तो आते वक्त आपकी रेट काफी स्लो होती है, बिल्कुल मरे जिए टाइप आते हैं, पता है 4 घंटे 5 घंटे कैद में जा रहे हैं, और बाकी अभी छुट्टी होगी तो भाग भाग के 4 4 5 5 सीढ़ी एक साथ कूदते हुए जाते हैं. ऑटोमेटिकली वही डिस्टेंस कम समय में रेट क्या हो जाती है, हमारी बढ़ जाती है ना. या दूसरे वे में बोलूँ कि जैसे आप अभी तो चलो रिविजन चल रहा है, अदरवाइज आप क्लास में टीचर की रेट को कैसे मेजर करते हो, कितने पेज भरा है, हमेशा गिनते रहते हो बीच बीच में, ठीक है ना. अब उसने क्या डिस्कशन करा है, कितने कॉन्सेप्ट बताए, उनसे तो हमें कोई लेना देना होता ही नहीं. हमारे लिए तो अल्टीमेटली क्या होता, पेज होते है ना. कम पेज भरा दो तब भी गाली खाओ, ज्यादा पेज भरा दो तब भी गाली खाओ, क्योंकि तब आपके लिए चेंजिंग क्वांटिटी क्या होती है आपकी, पेज की. 1.5 घंटे की क्लास में अच्छा आज इस टीचर ने 5 पेज भरा दिए, तो जो भी क्वांटिटी चेंज हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज अवर क्या आपका रेट. और एक स्टेटमेंट सुना होगा कि रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. आप अगर बाइक से जा रहे हो बेटा तो ब्रेक लगाने का मतलब ऐसा नहीं कि आप पीछे चले जाओगे, ठीक ना. फिर कभी भी आप अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँच पाओगे. ब्रेक लगाने से जो आपकी रेट है वो कम हो गई, नेगेटिव नहीं हुई है. पहले जो पर यूनिट टाइम में आप डिस्टेंस कर रहे थे वो ज़्यादा थी, और ब्रेक लगाते ही पर यूनिट टाइम में डिस्टेंस आपकी पहले से कम, क्योंकि आप अंदर जाके आप पढ़ोगे रेट कैन बी नेगेटिव. फर्स्ट ईयर में आपको आईआईटी में फर्स्ट ईयर में केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक पढ़ाया जाएगा आईआईटी के फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है ना. एटकिंस बुक चलती थी हमारे यहाँ तो केजीपी में, अब मुझे नहीं पता बाकी जगह कौन सी चलती, बट काइनेटिक्स का एडवांस वर्जन आपको वहाँ पर अंदर जरूर पढ़ाया जाएगा सभी को. तो वहाँ पर एडवांस वर्जन में रेट हम नेगेटिव बोल सकते हैं, बट हमारे सिलेबस में जो है रेट को हमें मिनिमम कितनी बोलेंगे, 0. क्योंकि मैं अपनी बात करूँ बेटा तो मैं किसी दिन कम पेज भराऊंगा, किसी दिन ज़्यादा पेज भराऊंगा, किसी दिन बिल्कुल नहीं भराऊंगा, तो उस दिन रेट कितनी होगी, 0. उस दिन इतना भी नहीं पकड़ा जाऊंगा कि जो भरा चुका हूँ वो फाड़ के ले जाऊंगा आपके, है ना, कि रेट को मैंने नेगेटिव कर लिया. तो ये कभी भी होना पॉसिबल नहीं है, रेट कैन नेवर बी नेगेटिव. 0 हो सकती है भैया कि चलो आज नहीं पढ़ेंगे और आज मस्ती करेंगे, ठीक है. तो रेट का जनरल मीनिंग किसी भी क्वांटिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू किसके आपका टाइम. और जनरल एक्सप्रेशन रेट की बात करें तो अब हमें साइंटिफिक वे में ही रिविजन करना है कि सब चीज़ें धड़ाधड़ हो जाएं, बच्चों वाली चीज़ें नहीं कि रेट की डेफिनेशन लिख रहे हैं. दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ किसका, रेट ऑफ रिएक्शन, है ना. दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन प्लस माइनस 1 बाय μI d² (I/dt). अब इनमें सब टर्म्स का मीनिंग क्या है, प्लस किसके लिए रिप्रेजेंट होगा, प्रोडक्ट जो रेट बढ़ा रहा होगा. अभी मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट की बात नहीं कर रहा हूँ, कौन है जो रेट बढ़ा रहा होगा, वही था ना, तू ही था. मैं कुछ बोलने वोले नहीं आता हूँ हिरवानी, मैं तो तेरे मजे लेने आता हूँ. मेरे को अच्छा लगता तू जब बीच बीच में हंसी मजाक करता, बढ़िया बोलता है. तो प्लस स्टैंड फॉर किसके लिए आपका, प्रोडक्ट. माइनस स्टैंड फॉर किसके लिए, रिएक्टेंट. ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन लगातार टाइम के साथ कम होता है और प्रोडक्ट का क्या होता है, बढ़ता है. तो प्लस फॉर प्रोडक्ट माइनस फॉर रिएक्टेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यू आई, स्टाइचोमेट्रिक कोफिशियंट. ठीक है, कोई अंग्रेज भी हमारे पास है बेटा. हाँ, वंस अगेन द प्रोनाउंसिएशन कौन था, d²(I) इज क्या, नहीं इसको भी इसका स्टाइल है ना, चेंज इन कंसेंट्रेशन.
ठीक है ना, तो डी स्क्वायर ब्रैकेट आई इज चेंज इन कंसेंट्रेशन एंड डी टी इज वॉट अवर चेंज इन टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन है। जेई 2002 में, ठीक है ना, इस रिएक्शन का हेबर प्रोसेस से अमोनिया के फॉर्मेशन का रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन पूछा गया था। जेई एग्जाम इतनी यूनिक है अपने आप में कि ज़्यादा टफ क्वेश्चन आए तो बनता नहीं है, हजम ही नहीं होता है, ज़्यादा इजी हो जाए तो दूसरे वे में नहीं हजम होता है कि ये कैसे पूछ लिया, ये कैसे आ गया, इसमें भी कोई कॉन्सेप्ट होगा, है ना, और उसमें हम गलत करके आ जाते हैं। तो 2002 जब स्क्रीनिंग और मेन्स हुआ करता था, आजकल मेन्स और एडवांस हो रही है, अप टू 2005 तक जेई सब्जेक्टिव हुआ करती थी, तो पहले वो स्क्रीनिंग से हटा देता था बच्चों को, फिर बाकी बचे हुए जो सिलेक्टेड बच्चे था उनका एडवांस मतलब सब्जेक्टिव पेपर लेता था, तब ये एक्सप्रेशन पूछा गया है। तो हमारे लिए बस एक जनरल फॉर्म मैंने बता दिया है। तो आर बराबर अगर इसका लिखोगे, क्या लिखोगे, माइनस ऑफ डी एन टू बाई डी टी इक्वस टू 1/3 ऑफ माइनस डी एच टू बाई डी टी और इक्वस टू 1/2 ऑफ प्लस डी एन एच थ्री बाय क्या आपका डी टी, ठीक है। तो ये जेई 2002 का ये भी एक पूछा हुआ क्वेश्चन है। इफ आई एम आस्किंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओनली माइनस डी एन टू बाई डी टी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एन टू, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एन टू, रेट ऑफ एन टू, जो भी आप वर्ड बोलो, ठीक है ना। अगर मैं माइनस डी एच टू बाई डी टी बोल रहा हूँ तो इट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एच टू, ठीक है ना। जब बोर्ड की एग्जाम, बेटा आप तो बोर्ड अब पास कर चुके हो होपफुली, ठीक है, हो सकता है आप में से कई लोग दे रहे हो, तो बोर्ड में तो एक एक नंबर के ये भी क्वेश्चन आते हैं कि माइनस डी एच टू बाई डी टी का क्या मीनिंग है और 1/3 ऑफ माइनस डी एच टू बाई डी टी का क्या मीनिंग है। इफ आई एम आस्किंग ओनली माइनस डी एच टू बाई डी टी तो इट इज रेट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, रेट ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि अगर मैं किसी का नाम बोल रहा हूँ आपको तो फिर मुझे उसका कोफिशियंट बताने की जरूरत नहीं है। कोफिशियंट की जरूरत केवल और केवल रेट ऑफ रिएक्शन में होती है, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट हैव एनी मीनिंग व्हेन बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज नॉट गिवन। अगर मैं आपको ये रिएक्शन बैलेंस करके नहीं देता तो रेट ऑफ रिएक्शन का तो कोई मीनिंग नहीं है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस का मीनिंग है, क्योंकि उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं लैब में गया बेटा एक्सपेरिमेंट करने, मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन के 10 मोल लिए थे और 10 मिनट के बाद मुझे हाइड्रोजन का 1 मोल मिला, तो व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। 10 मोल लिए थे, 10 मिनट के बाद 1 मोल बचा हुआ मिला है, व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, 9/10 दैट इज 0.9 मोल पर मिनट, सही है। ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ किसकी है, हाइड्रोजन, जो फिक्स है, जो फिक्स है भैया, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली हो रहा है। अब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं भैया, जब तक मैं आपको क्या ना बताऊं, रिएक्शन ना बताऊं कि मैं रिएक्शन ये लिख रहा हूं। कोई बोले सर मैं तो लिखूंगा 1/2 N2 + 3/2 H2, उसकी अलग आएगी। कोई बोलेगा मैं 2N2 + 6H2 लिखूंगा तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन अलग हो जाएगी, बट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन सभी के लिए सेम है, क्योंकि वो तो एक्सपेरिमेंटली जो आपने लैब में एक्सपेरिमेंट करा है उससे पता पड़ा है कि आपके पास शुरू में 10 मोल थे और 10 मिनट के बाद आपके पास 1 मोल बचे हैं। ये चैप्टर भी पूरा पूरा क्या है, एक्सपेरिमेंटल चैप्टर है, इसमें कोई भी चीज़ आपकी थ्योरेटिकल नहीं, क्योंकि अभी हम ऑर्डर में जाएंगे तो आपको पता है ऑर्डर एक किस तरह की क्वांटिटी होती है, एक्सपेरिमेंटल, है ना, आप देख के किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को नहीं बता सकते। तो रेट ऑफ रिएक्शन हैज मीनिंग ओनली व्हेन बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज गिवन, अदरवाइज इसका कोई मीनिंग होने वाला नहीं है। और रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई भी लेना देना नहीं होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन लिख लो सीधे सीधे, वो भी जेई का एक क्वेश्चन है, है ना। इफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इन हेबर्स प्रोसेस इज 1.7 केजी पर आवर इज 1.7 केजी पर आवर देन कैलकुलेट 1.7 केजी पर आवर देन कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राम पर मिनट देन कैलकुलेट रेट ऑफ
डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राम पर मिनट। फोर्टी टू पॉइंट फाइव ग्राम पर मिनट, ठीक है ना। आपने पहले डी एन एच थ्री बाई डी टी की वैल्यू निकाल ली और ये निकालना है, इसलिए मैंने एक्सप्रेशन यही दिया, ठीक है ना। तो अब इसमें माइनस ऑफ डी एच टू बाई डी टी इज इक्वल्स टू किसके बराबर, थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ दिस। अब इसमें 1.7 केजी में था, इंटू आपने क्या करा होगा, थाउजेंड, इसको बदल दिया किसमें, ग्राम, और नीचे आवर्स को किसमें बदल दिया आपने, मिनट्स। तो नीचे आ गया कितना, 60, सही है। तो इससे आ गया ना नेट आंसर, ये 20, 20 से कितना आपका 500, नहीं 50, और ये गया तो 75 जाए 85, 42.5 क्या ग्राम पर मिनट आ गया सभी का, ठीक है ना। तो जिनका भी आया है वो बेटा गलत है ना, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन ही कराऊंगा, क्योंकि रिवीजन चल रहा है, इतना समय नहीं है, बच्चों वाले क्वेश्चन कराऊं, वही क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें मुझे पता है कि आप में से मैक्सिमम गड़बड़ी करेंगे, ठीक है ना। ये 1, 3 और 2 ये क्या है, इनके कौन से कोफिशियंट है, स्टैचियोमेट्रिक कोफिशियंट है, हाँ भाई साहब, ठीक है। तो ये इनके स्टैचियोमेट्रिक कोफिशियंट है, और ये मोल्स के रेशियो होते हैं कि मास का रेशियो होता है, तो आप मास से कैसे कंपेयर कर सकते, ठीक है ना, आप मास से कैसे कंपेयर कर सकते हो। ये भी जेई का सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, और ये एक कॉमन मिस्टेक है जो आप करते हो, मेरे बताने के बाद भी करोगे, क्योंकि अगर अगर आपको पता होता तो आप यहीं पर बच जाते, बताया हर टीचर ने होगा, बट आपके जहन में वो बसा हुआ है कि आपको बस सीधे कंपेयर करना है और बराबर कर देना है। तो ये 3 और 2 भैया उनके मोल्स का रेशो था, और मोल्स का रेशो था तो फिर आपको मोल्स से ही बात करनी थी, पहले आपको ये 3/2 तो करना ही था, 1.7 को डिवाइड करना था किससे, 17 इनटू 1000। वो तो कैलकुलेशन देखो खूब इजी देता है बेटा, है ना, ये तो हमारा काम है कि हम बढ़ा देते हैं। तो ये सब कैंसिल हो गया, 1 0, ये हो गया कितना, 5, 60, अच्छा गलत कर दिया, ठीक है 60, तो ये 20, और 20 से कितना हो गया बेटा 5, तो ये हो गया है ना 5/2। ये है आप किसमें, मोल पर मिनट में, और उसने बोला है किसमें, ग्राम पर मिनट। अब 2 से वापस क्या होगा, मल्टीप्लाई, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो अब आंसर होगा 5 ग्राम पर मिनट। तो ये है करेक्ट सॉल्यूशन, बट हम लोग जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहते। अब ऐसे खूब क्वेश्चन है जो मैंने काइनेटिक्स की बनाई है, प्रॉब्लम्स का कलेक्शन आपके लिए रिवीजन के लिए, उसमें भी मैंने एक दो क्वेश्चन डाले हैं, बट उसमें भी आप गड़बड़ करोगे, क्योंकि ये गड़बड़ आपके जहन से निकली ही नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें देखो, आप बोलो सर इसमें तो रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन तो गिवन नहीं थी बैलेंस्ड, आपने यही क्यों मानी, मैंने तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं बताई बेटा, मैंने तो क्वेश्चन में बस दिया, ये दिया है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन अगर इतनी है तो रेट ऑफ, मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया इतनी है तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्या बताओ, हाइड्रोजन। तो इसमें आपकी मर्जी है, आपको जो रिएक्शन लेनी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने ये रिएक्शन ली है तो 3/2 हो गया, अगर आपने रिएक्शन 2, 6 और 4 ली होती तो क्या होता, तब भी 3/2, 6/4 इज नथिंग बट 3/2, आप जो ले लो। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा तो ही जरूरत है किसकी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दैट इज स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बट वो अगर किसी की भी रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस की बात कर रहा है तो उसके लिए भी आपको इसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, आप जो मर्जी हो वो रिएक्शन ले लो। तो ये तीन चीज़ें आपके दिमाग से निकलनी चाहिए भैया, गंदगी जो कॉमनली मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि आजकल तो इतना बचा नहीं है कि रेट के ऊपर वो क्वेश्चन पूछे, बट पूछ लेगा तो उसमें भी हमारे गड़बड़ करने के चांसेस हैं, कहाँ कहाँ पर हो सकती है, उससे बचे, ठीक है ना। अब हम सीधे सेकंड फैक्टर, और अब पहले रेट की भी और बात कर लें बेटा, दो तरह की रेट होती है, कौन कौन सी, एक एवरेज रेट और एक इंस्टेंटेनियस, है ना। एवरेज रेट के लिए क्या करते हैं हम लोग,
अगर एवरेज रेट निकालनी होती है ग्राफिकली, अगर आ जाए क्वेश्चन, तो एवरेज रेट एक फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए होती है। तो मान लीजिए उसने आपसे T1 से T2 की एवरेज रेट पूछी, तो क्या करोगे आप, है ना? आपको ग्राफ गिवन होगा बेटा, तो T1 के करस्पॉन्डिंग आप कंसंट्रेशन निकालोगे C1, और T2 के करस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन निकालोगे C2, ठीक है ना? तो आपके लिए जो एवरेज रेट होगी, आर एवरेज, दैट विल बी इक्वल्स टू C1 माइनस C2 अपॉन T2 माइनस T1। अब मैंने माइनस साइन पहले ही हटा दिया है, तो हमारे लिए एवरेज रेट हो गई C1 माइनस C2 अपॉन T2 माइनस T1। और अगर मैं बात कर रहा हूँ कौन से रेट की, इंस्टेंटेनियस रेट, तो इंस्टेंटेनियस रेट के लिए क्या करना होगा आपको, अब जो आपको कर्व दिया होगा बेटा, ठीक है ना, उसमें आपको अगर बोल रहा है टाइम टी पर रेट बताओ, ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इस टाइम पर आपको एक ड्रॉ करनी पड़ेगी क्या, टेंजेंट, ठीक है ना? ऊपर वाले में तो T1 T2 पर कंसंट्रेशन ग्राफ दिया होगा, तो लाइनिंग मेथड से आप खुद निकालोगे। नीचे वाले में अगर इंस्टेंटेनियस रेट कभी पूछी, तो हम आपसे ये काम भी नहीं कराएंगे, क्योंकि कोई इसके लिए ऐसी टेढ़ी रखेगा, कोई ऊपर रखेगा, सबकी रेट फिर क्या हो जाएगी, अलग अलग। तो इसमें नॉर्मली फिर इंटरवल खुद ही डिफाइन करके दे देता है आपको, ठीक है ना? और अगर ये चीज़, ये इंटरवल आपका सी है, और ये टाइम टी पर पूछी थी, ये इंटरवल T1 है, तो इस केस में हमारे लिए आर इंस्टेंटेनियस किसके बराबर हो जाएगी, इट विल बी सी बाय कितना, T1। तो हमारे पास दो तरह की रेट होती है, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है ना? ये भी हमें ध्यान रखना है, पहले रेट को ही खत्म कर लें। अगली चीज याद रखनी है बेटा हमें, यूनिट ऑफ रेट, मतलब याद क्या रखना है, पता रखना है सब चीजें, क्योंकि रिविजन हो रहा है तो सबका करें। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट, ठीक है ना? चेंज इन कंसेंट्रेशन पर यूनिट टाइम है, तो आप इसे मोलर पर टाइम, मोलर लिखा है तो फिर कुछ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोलर में अपने आप ही मोल और लीटर आ चुका है, या फिर आप इसे मोल पर लीटर पर टाइम, ठीक है ना? ये होगी किस तरह की रिएक्शंस के लिए, एक्वस फेस। अगर मेरी रिएक्शन एक्वस फेस में चल रही है, तो मोल पर लीटर पर टाइम या मोलर पर टाइम। बट अगर मेरी रिएक्शन चल रही है किसमें, गैशियस फेस में, अगर मेरी रिएक्शन चल रही है कौन सी फेस में, गैशियस फेस, तो गैशियस फेस के लिए मेरा हो जाएगा क्या, ATM पर टाइम। ठीक है, अब अगर हमसे एक चीज और अच्छी बेटा पूछ ले, रिलेशनशिप बिटवीन, है ना, माइनस ऑफ dP/dt, दैट इज रेट इन टर्म्स ऑफ इसके प्रेशर, एंड माइनस dC/dt, ये भी एक अच्छी चीज है बेटा। माइनस dP/dt का क्या मतलब है, रेट इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन, सॉरी प्रेशर, और माइनस dC/dt चेंज रेट इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन, है ना? मान लीजिए कोई रिएक्शन है हमारा, मान लीजिए कोई रिएक्शन है ए गैस गिव्स प्रोडक्ट। अब सबसे पहली बात, ये जो हम इन दोनों के बीच के रिलेशन की बात कर रहे हैं, ये केवल कौन सी रिएक्शन के लिए बात कर सकते हैं, ओनली फॉर गैशियस रिएक्शन, क्योंकि अगर गैस नहीं है तो फिर आप प्रेशर की बात ही नहीं करोगे, डिफाइन ही नहीं कर सकते ना। तो ये बात केवल और केवल गैसियस रिएक्शन के लिए हो रही है, क्योंकि गैसेस के लिए प्रेशर और कंसंट्रेशन दोनों बराबर। अब अगर मैं इस रिएक्शन को प्रेशर के टर्म्स में लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा इसको माइनस ऑफ क्या बेटा, dPA/dt, आर का एक्सप्रेशन, और इसी को मैं अगर कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखूंगा, तो माइनस ऑफ क्या, dCA/dt, वेयर PA इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और CA इज द कंसेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है? अब हमसे बोले दोनों के बीच का रिलेशन बताओ, मतलब कभी आपसे क्वेश्चन में भी आ सकता है, इसको इसमें बदलो, इसको इसमें बदलो। तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है ना? आपको यहां पर बाय डिफॉल्ट, जब तक कुछ न बोला जाए, हमें हर गैस को कौन सी गैस मान के चलना है, आइडियल, और आइडियल गैस है तो हम लोग PV इक्वल टू क्या लगाएंगे बेटा, NRT, ठीक है? और आपका सब्सटेंस ए है, इसलिए PA इंटू V इक्वल टू क्या, NA इंटू RT, इसलिए PA किसके बराबर हो जाएगा, इट इज NA/V इंटू RT। तो गैसेस के लिए, क्योंकि हमें यह आगे भी फर्स्ट ऑर्डर में खूब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, गैसेस के लिए पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर इस चीज़ को बस मैं दोनों तरफ का, है ना, डिफ्रेंशिएट कर दूँ, नेगेटिव साइन डाल दूँ, तो
माइनस डी पी बाय डी टी इज माइनस ऑफ क्या आपका बेटा, डी सी ए बाय डी टी इंटू आर टी, इस तरह से बन जाएगा। और इसके ऊपर भी वो अच्छा क्वेश्चन आपको दे सकता है। कैसे, देखिए मैं छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके ऊपर। फॉर द रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट, है ना, माइनस ऑफ डी पी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू के वन इंटू पी ए का स्क्वायर, और माइनस ऑफ डी सी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू के टू इंटू सी ए का स्क्वायर, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, दो तरह के, दोनों बता रहा हूँ। एक तो एक्सप्रेशन वाइज क्वेश्चन है, ए गिव्स प्रोडक्ट के लिए माइनस डी पी ए बाई डी टी इज के वन इंटू पी ए स्क्वायर माइनस डी सी ए बाई डी टी इक्वल्स टू के टू इंटू सी ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमसे बता दिया बेटा कि ये रिएक्शन चल रही है टेम्परेचर किस पर, टी पर। आपसे कह रहा है डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन के वन एंड के टू, ये इसी से रिलेटेड बेटा। ये अब मैं पूछूं ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर, है ना। अब ऑर्डर पे आ रहे हैं हम लोग, बस पहले मैं रेट को बता रहा हूँ। अगर यहाँ पावर टू लिखा हुआ है तो इट इज ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अभी यहाँ पे जो हमने जनरल रिलेशन निकाला है बेटा, इसमें हमने ऑर्डर ऑर्डर की बात नहीं करी है। अगर आप ऑर्डर की बात करोगे तो बार बार ये रिलेशन क्या होते आएंगे आपके, चेंज। आप जनरलाइज भी कर सकते हो ना, तो आपको जो अभी डेरिवेशन सिखाया चलना उसी से, आपको बस पी ए की जगह क्या पुट कर देना है, सी ए आर टी अपॉन क्या आपका डी टी। यहाँ पर भी के वन इंटू इस पी ए की जगह भी सी ए आर टी का क्या आपका होल स्क्वायर, आई बात समझ में। तो ये बन गया आपका माइनस ऑफ डी सी ए बाई डी टी इंटू क्या आपका आर टी, इधर बना के वन इंटू आर टी का स्क्वायर इंटू क्या सी ए स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई आइडिया। अब इस माइनस डी सी ए बाई डी टी की जगह क्या उठा के पुट कर दोगे आप, के टू इंटू सी ए स्क्वायर इंटू आर टी इक्वल्स टू के वन इंटू आर टी का स्क्वायर इंटू सी ए स्क्वायर। ये सी ए स्क्वायर क्या हो गया बेटा, कैंसिल, एक आर टी कैंसिल, क्या रिलेशन बना, के टू इक्वल्स टू के वन इंटू आर टी। अरे बात समझ में। अब अगर मैं इसको और जनरलाइज कर दूं, अगर ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर की होती तब क्या रिलेशन होता, के वन इक्वल्स टू, मतलब सॉरी फर्स्ट ऑर्डर की होती तब क्या रिलेशन होता, के वन इक्वल्स टू के टू, फर्स्ट ऑर्डर की होती तो यहाँ पर सी ए स्क्वायर नहीं होता बेटा, सी ए होता ना, तो आर टी का स्क्वायर भी नहीं होता, तब आर टी होता। तो जनरल आप फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, के कंसेंट्रेशन वाला और के प्रेशर वाला इज इक्वल्स टू आर टी की पावर एन माइनस वन, जहाँ पर एन क्या है हमारे रिएक्शन की ऑर्डर है, वेयर एन इज वॉट आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसलिए है ना, रिवीजन में हमें बस फास्ट चीज़ों को रिवाइज करना है कि हमें पता रहे कि इस तरह का क्वेश्चन आने का चांस है, और इसमें हम इस काम को बड़ी आसानी से यहाँ से शॉर्टकट में कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ सभी को, ठीक है ना। अब दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मान लो हमारा क्वेश्चन है थ्री ए गैस गिव्स टू बी गैस प्लस फोर सी गैस, ठीक है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रहा हूँ एक आखिरी इसके ऊपर, रेट के ऊपर फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करें। इसमें हमसे बोल रहा है बेटा कि इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट 27 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 2 atm एंड टोटल प्रेशर आफ्टर, इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 2 atm एंड टोटल प्रेशर आफ्टर 30 seconds, टोटल प्रेशर आफ्टर 30 seconds इज 3 atm, इज 3 atm, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आपको दी है, एंड क्वेश्चन इज कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन इन मोलर पर मिनट, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन इन मोलर पर मिनट।
बेटा हाथ पैर भी चलाओ थोड़े से, क्वेश्चन लिख के बैठना तो ना, हाथ पैर चलाओ ना बेटा, एग्जाम में आएगा तो। बोलो ठीक है। तो अब इसमें क्या है भैया, अगर मुझे पहले माइनस ऑफ डी पी ए बाई डी टी निकालना है, दैट इज रेट ऑफ किसकी, ए, तो मुझे ए के पार्शियल प्रेशर में चेंज, तो यहाँ पर उसने मोल कॉन्सेप्ट भी लगा दिया भैया, क्या करोगे, माइनस ऑफ ए का फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर 2 दिया है, नीचे टाइम 30 सेकेंड से, बट उसने बहाने से रेट किस में बोल दिए, मिनट, तो उसको तो मैं अभी 30 सेकेंड को मिनट्स में बदल दूं, किस में, हाफ, तो कन्वर्जन भी करा रहा है ना, तो जेई मेंस लायक तो क्वेश्चन है बेटा, मोल भी यूज हो रहा है, कन्वर्जन भी यूज हो रहा है, टाइम का भी, कंसंट्रेशन का भी, मोल कैसे यूज हो रहा है, आपको मैंने काइनेटिक्स में बोला था जब भी मोल आए तो 2 स्टेप लिखा करो बस, 200, सेकेंड स्टेप क्या, 2 - 3p, मोल्स हो तो बेटा एक्स लिखो, प्रेशर हो तो पी लिखो, ताकि आपको भी ध्यान रहे कि वी आर डीलिंग विद किसके साथ, प्रेशर, तो गड़बड़ ना हो, देखो हमारे लिए पर्पस है कि यार एक एक क्वेश्चन हमें सही करना है, भले हम 10 में से 8 कर पाए बट वो सही हो, अब मालूम पड़े 9 करे और 5 गलत हो तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, 8 करोगे वो सही होंगे तो उससे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको, तो 2 - 3p, 2p और 4p, तो अब टोटल प्रेशर हो गया कितना, अगर मैं ऐड करूंगा तो 2 + 3p, और इसकी वैल्यू दे दी उसने कितनी, 3.5, 3 है, अच्छा 3 है, तो यहाँ से p की वैल्यू, 3p की वैल्यू, सीधे 3p की वैल्यू निकाल लो बेटा, 1, मतलब a का फाइनल प्रेशर कितना हो गया, 1, तो यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है ना, तो इसलिए हमारी रेट ऑफ रिएक्शन जो हो गई वो 2 atm पर किसमें, मिनट, ठीक है, बट ये नहीं पूछा गया था बेटा आपसे, पूछा गया है किसके टर्म्स में, मोल पर मिनट में, है ना, ठीक है, तो उसको अब आपको इसको उसमें बदलना है, तो आपके सामने रिलेशन लिखा हुआ है, 2 = -dCA/dt RT, टेम्परेचर अगर 300 हो तो मेरी एडवाइस अभी से मान लेना, आर की कौन सी वैल्यू पुट करी आपने सबसे पहले, तो कई लोगों ने तो जूल कैलोरी ना पुट कर दियो, ठीक है ना, तो यहाँ पर आर की वैल्यू कौन सी वाली यूज होगी, 1/0.082, उसमें भी अगर आपको कैलकुलेशन बचानी हो, देखो है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न में क्वेश्चंस कभी इतने ज्यादा क्लोज देने वाला नहीं है, डिफरेंस होता है, तो 1/12 अगर आप निकालोगे, एक्चुअली आर की वैल्यू है 0.082, अगर आप 1/12 निकालोगे तो वो 0.083, तो उससे कोई जमीन आसमान का अंतर पड़ने वाला नहीं है, तो इससे क्या होगा, कैलकुलेशन बच रही, देखो हमारा ये सीधे सीधे 25, इसलिए हमारे लिए माइनस ऑफ डी सी ए बाई डी टी का आंसर हो गया कितना, 2/25 मोल पर मिनट, अब ये कितने लोगों का आया, हाँ तो वही, अगर ये आया है तो ये भी गलत है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ ये गलत है, अभी तो और गलतियां हैं, तो आप खुद समझ लो, इतना तो मेंस लायक क्वेश्चन तो बन ही गया, इतना काम करवा रहा है उसके बाद भी गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, ये तो रेट ऑफ ए है भैया, एंड ही इज आस्किंग फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शन की रेट का एक्सप्रेशन तो 1/3 of -dCA/dt, मतलब 2/75, ठीक है ना, तो इतनी जगह वो आपसे गड़बड़ करवा रहा है, कुछ स्टूडेंट कन्वर्जन में गड़बड़ कर देंगे, कुछ इसमें लास्ट में गड़बड़ कर देंगे, कुछ हो सकता है शुरू में कहां पर मोल कॉन्सेप्ट में ही गड़बड़ कर दें, ठीक है ना, तो मैं 3-4 क्वेश्चन ही छोटे छोटे कराए हैं मैंने, बट सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिनमें आपकी मेजर मिस्टेक्स होती हैं, उन्हें आपको पकड़ना है, ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट की रेट क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब हमने समझा है, अब हमें सेकेंड पार्ट में चलना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं बेटा जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना, सबसे पहला तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, फिर कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, तीनों को एक साथ बोलो क्योंकि तीनों आपस में एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है ना, तीसरा फैक्टर होता है टेम्परेचर, चौथा फैक्टर होता है कैटालिस्ट, और पांचवा फैक्टर होता है इफेक्ट ऑफ सनलाइट, है ना, तो जैसे मैं ओरली फिर से सुना दे रहा हूँ, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना, कंसंट्रेशन, प्रेशर / वॉल्यूम, थर्ड टेम्परेचर, फोर्थ कैटालिस्ट, फिफ्थ सनलाइट, इसमें फर्स्ट और फिफ्थ का एज सच कोई ज्यादा यूज नहीं है, बट पता होना चाहिए सनलाइट का क्या यूज है, हमें पता है देर आर वेरियस रिएक्शन जो डार्क में पॉसिबल नहीं है, लाइक हेलोजिनेशन ऑफ क्या आपका एल्केन्स, ठीक
ठीक है ना, वो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है बेटा, सनलाइट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सनलाइट फॉल होगी तो ऑब्वियसली उससे क्या होगा, एनर्जी मिलेगी, एक्टिवेशन एनर्जी जो उस रिएक्शन की रिक्वायरमेंट होती है वो सनलाइट फॉल होने से फोटोन के फॉर्म में पर्टिकुलर रिएक्टेंट को बार बार मिलती है, और अगर एक बार उसने उस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर लिया तो फिर वो रिएक्शन में क्या कर जाएगा, आपका पार्टिसिपेट कर जाएगा। सनलाइट का तो बस इतना ही रोल है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पता होना चाहिए थ्योरेटिकली पूछे तो। नेचर ऑफ रिएक्टेंट में खुद तीन फैक्टर है बेटा, एक तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, उसका सरफेस एरिया और उसकी स्टेबिलिटी, है ना। फिजिकल स्टेट की बात करें सॉलिड लिक्विड गैस में, किस में रिएक्शन के ज़्यादा होने के चांसेस होंगे, गैस फिर लिक्विड फिर सॉलिड। और होमोजीनियस और हेटरोजीनियस में पूछूं तो होमोजीनियस में रेट ज़्यादा होगी, और इनफैक्ट होमोजीनियस अगर गैशियस रिएक्शन हुई तो उसमें रेट सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। सेकेंड फैक्टर बेटा सरफेस एरिया, ठीक है ना। एक डिस्प्रिन की टेबलेट को डायरेक्ट पानी में डालें, एक बार तोड़ के डालें, किस केस में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, मतलब डिजोल्व होने की रेट, वहाँ पर रेट का मतलब डिजोल्व होना, किसके तोड़, जितना तोड़ोगे उतना सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिजोल्यूशन बढ़ेगी, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, सरफेस एरिया, ठीक है ना। और तीसरा फैक्टर बेटा स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी में क्या रोल है, रिएक्टेंट अगर जितना ज़्यादा स्टेबल होगा तो ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्ट में बदलने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, और अगर वो कम होगी तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी कम, तो रेट ऑफ रिएक्शन वी कैन से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब कभी ट्रू फॉल्स में पूछ ले। हमारे लिए मेजर फैक्टर है कौन सा आपका, कंसेंट्रेशन प्रेशर या वॉल्यूम। अब कंसेंट्रेशन प्रेशर या वॉल्यूम से कैसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, है ना। तो हम लोग सीधे सेकेंड फैक्टर पर चल रहे हैं, कंसेंट्रेशन प्रेशर और वॉल्यूम। तीनों को मैं एक साथ क्यों कवर कर रहा हूँ, तीनों को मैं एक साथ क्यों कवर कर रहा हूँ भैया, कंसेंट्रेशन प्रेशर वॉल्यूम, क्योंकि सब आपस में इंटरमिक्स है। अगर गैशियस रिएक्शन है और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कंसेंट्रेशन डबल होने पर रेट डबल हुई है, तो ऑब्वियसली प्रेशर डबल होने पर भी रेट डबल होगी, क्योंकि अभी हमने बोला है गैस के लिए प्रेशर और कंसेंट्रेशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि कंसेंट्रेशन डबल करने पर रेट फोर टाइम्स बढ़ी है, तो वॉल्यूम हाफ करने पर भी रेट फोर टाइम्स ही बढ़ेगी, क्योंकि वॉल्यूम हाफ करने का मतलब भी इनडायरेक्टली कंसेंट्रेशन का डबल होना है। तो इसलिए ये तीनों फैक्टर एक साथ चलते हैं, कंसेंट्रेशन प्रेशर या वॉल्यूम। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में केवल कंसेंट्रेशन ही रहता है, बट ऑल थ्री आर लिंक्ड। कंसेंट्रेशन और प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है, और कंसेंट्रेशन और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है आपका, ठीक है ना। तो अब अगर हम बात करते हैं बेटा कि मान लीजिए कोई रिएक्शन है ए प्लस बी गेज प्रोडक्ट, इसमें हमसे बोल रहा है कि ए का कंसेंट्रेशन डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमें कोई रिएक्शन दी ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट एंड ही इज आस्किंग व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन इफ वी डबल कंसेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है ना। तो आप अगर अंतर्यामी हो तो बेटा अलग बात है, अदरवाइज अभी आप इस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं दे सकते हो, ठीक है ना। केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम में यही फर्क है। इक्विलिब्रियम होता तो हम सीधे ए का कोएफिशिएंट वन, उसी को हम क्या मान लेते हैं ऑर्डर, क्योंकि इक्विलिब्रियम में बाय डिफॉल्ट सभी रिएक्शन सिंपल होती हैं। आपने सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन नाम सुना होगा, जिनमें आपका कोफिशियंट ही क्या हो जाता है बेटा ऑर्डर। बट काइनेटिक्स में हमें, है ना, वहाँ पर हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में बात करी थी लॉ ऑफ मास एक्शन से, यहाँ हम लॉ ऑफ मास एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन की। दोनों में फर्क है। लॉ ऑफ मास एक्शन वॉज प्रपोज बाय गुलबर्ग एंड किससे, वागे, ठीक है ना, दैट वॉज ओनली रिलेटेड विद इक्विलिब्रियम। यहाँ पर हम बात करते हैं बेटा रेट लॉ। तो जब तक मैं आपको इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं दूंगा, ठीक है ना, रेट लॉ एक्सप्रेशन जिसे आप सिंप्लीफाइड वर्ड्स में रेट लॉ भी बोलते हो, तब तक आप मुझे किसी के कंसेंट्रेशन के चेंज होने का रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं बता सकते हो, ठीक है ना। और रेट लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, आप देख के मुझे नहीं बता सकते हो कि ये रिएक्शन ये है ये नहीं है, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ठीक है ना। और इसके लिए, इस एक्सप्रेशन को लिखने के लिए हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर भी एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, जो क्वेश्चन में या तो क्या होगी आपको गिवन होगी या आपको
निकालनी पड़ेगी। तो हम दोनों तरीकों को सब चीजें नेक्स्ट क्लास में समझेंगे डेप्थ में। तो ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, विच शुड बी एदर गिवन और इट शुड बी कैलकुलेटेड इन द गिवन प्रॉब्लम, ठीक है ना। और ऑर्डर हैज नथिंग टू डू विथ किसके साथ, स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशियंट, ओनली फॉर एक्सेप्ट एक्सेप्ट ओनली फॉर सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर मैंने मेंशन कर दिया कि रिएक्शन सिंपल और एलिमेंट्री है, तब ऑर्डर विल बी इक्वल टू स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशियंट। अगर ये रिएक्शन में ब्रैकेट में लिख देता सिंपल, हम ये भी देख के नहीं बता सकते हैं कि ये रिएक्शन सिंपल है या नहीं, ये भी देख के बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पता पड़ता है किससे, मैकेनिज्म से, है ना। और मैकेनिज्म वाला पार्ट भी हम थोड़ा सा देखेंगे इसी टॉपिक में। तो देख के आप कभी किसी रिएक्शन को सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स, ये बताना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। ये हमेशा क्वेश्चन में क्या होना चाहिए आपको, गिवन। तो उसके अलावा ऑर्डर को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है। और रेट लॉ एक्सप्रेशन, अगर हम मान लेते हैं कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एम है, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन है, तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन हो जाएगा आर इक्वल्स टू के कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एम और बी की पावर एन। इसे हम बोलते हैं इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है ना। जहां पर एम इज ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू किसके ए, एन इज ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू एन, इस रिएक्शन की टोटल एम प्लस एन कहलाती है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। तो एम प्लस एन इज नोन एज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। के को क्या बोला जाता है आपका, रेट कॉन्स्टेंट, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट, स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, चारों में से आप इसे कोई भी नाम बुला सकते हो। अब अगर मैंने आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन दे दिया है, अब मैं बोल रहा हूँ कि ए का कंसेंट्रेशन हमने डबल करा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट, टू की पावर एम। ये जेई का क्वेश्चन था, एट ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आ चुके हैं, है ना। ए का कंसेंट्रेशन डबल करने पर रेट पे ऊपर क्या इफेक्ट है, तो सीधे सीधे जो कंसेंट्रेशन में चेंज है उसकी पावर ऑर्डर। अगर मैं बोल रहा हूँ बी का कंसेंट्रेशन ट्रिपल करा, तो हमारे लिए रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस बाय 3 पावर n टाइम, है ना। हमसे बोल रहा है कि ए ट्रिपल बी क्वाड्रपल, तब क्या बोलोगे है, 2 की 3 की पावर तो एम, 4 की पावर n, ठीक है। हमसे बोल रहा है वॉल्यूम हमने हाफ कर दिया, तब रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वॉल्यूम हाफ करने का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम हाफ करने का मतलब कंसेंट्रेशन डबल, तो दोनों का कंसेंट्रेशन डबल होगा भैया, ए का भी और बी का भी। तो हो सकता है वो ऐसा ना देके सीधे 2 की पावर क्या देते आपको, एम प्लस एन। तो जब तक आपको ऑर्डर नहीं पता है तब तक आप ये इफेक्ट नहीं बता सकते हो। ये चारों ही छोटे छोटे क्वेश्चन, दो तो इनमें से जेई के हैं बेटा, ठीक है ना। ए आई ट्रिपल ई में पूछा गया था और ए आई ट्रिपल ई आपका जेई मेन से, कि क्या इफेक्ट होता है हमारा, वो तुरंत हम बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऑर्डर निकालने का पहला तरीका आज सिखा दे रहा हूँ वो यही है, कि अब अगर मैं उल्टे वे में, है ना, तो हमारे लिए यहाँ से सीधे सीधे देखो क्या रिलेशन बन रहा है, हमारा रिलेशन बन रहा है चेंज इन रेट शुड बी इक्वल टू क्या, चेंज इन कंसेंट्रेशन, चेंज इन रेट शुड बी इक्वल टू चेंज इन कंसेंट्रेशन की पावर क्या, ऑर्डर। ये है आपका पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, चेंज इन रेट इक्वल टू चेंज इन कंसेंट्रेशन की पावर ऑर्डर। क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन काफ़ी आ चुके हैं बेटा, आएगा या नहीं आएगा मैं इसकी गारंटी इस पे नहीं ले रहा हूँ, सिंपल पार्ट है। तो इस फॉर्मूले से आप सब चीज़ें कर सकते हो। अगर मैं किसी क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि कंसेंट्रेशन डबल करने पर रेट 8 टाइम्स बढ़ी, वॉट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 3, तो आप चेंज इन रेट में लिखोगे 8, ठीक है ना। चेंज इन कंसेंट्रेशन में लिखोगे कितना, 2, और उसकी पावर आप ऑर्डर एम मानो, तो सीधे सीधे आपके लिए एम कितना हो गया, 3, है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ एक थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए कंसेंट्रेशन ट्रिपल करने पर व्हाट विल बी द चेंज इन रेट, 27, तो हर तरह का क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, तो इसके आगे की कहानी हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा हम लोग।